हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। बच्चों, हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू कर दिया, लिमिट्स। उसमें हम लोगों ने बेसिक देख लिए, उसके अलजेब्रा देख लिए, कुछ एक्सपांशन देख लिए। आज हम लोग क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक लिमिट्स, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जीरो बाय जीरो बेस फॉर्म के अलजेब्रिक। मतलब तुमको पॉलीनोमियल अपॉन पॉलीनोमियल रैशनल फंक्शन जैसे चीज़ दिखेंगे इधर, और अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि। तो बच्चों देखो, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन। अब तुम एक्स इज टू वन इसमें उठा के डाल दो तो तुमको क्या मिलेगा। देखो, वन माइनस वन जीरो मिला, वन माइनस थ्री प्लस टू जीरो मिला। तो पहला काम क्या रहेगा तुम्हारा कि तुम चेक करो कि जीरो बाय जीरो फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वन पुट करने का फायदा नहीं है, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि जो जीरो बना रहा है वो कट जाए। तो मैं इसको फैक्टराइज अगर करूँ तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू हो गया, और यहाँ पर एक्स माइनस वन हो गया, लिमिट x टेंस टू वन। तो बच्चों, अगर मैं वन पुट करा तो ये दो थे जीरो बाय जीरो बना रहे थे, तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया, तो वो जो कल्प्रिट था वो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है, लिमिट x टेंस टू वन x माइनस टू। अब इधर इधर डायरेक्टली मैं वन पुट कर दूँगा क्योंकि अभी जीरो बाय जीरो फॉर्म चले गया। तो वन जैसे पुट किया, वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। सिंपल है, हमने इसमें क्या किए, न्यूमरेटर को फैक्टराइज किए। तो इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड है, ये पूरे क्वेश्चन वैसे ही करना है। जैसे कि अगर इसको तुम चेक करो, एक्स टेंस टू टू तो टू क्यूब है ना, टू क्यूब एट होता है, एट माइनस एट टू स्क्वायर, फोर माइनस फोर जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है। अब कुछ फैक्टराइज करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू, अगर तुम लोग को दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको टू क्यूब लिख सकता हूँ और इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर लिख सकता हूँ, पावर सेम बना दिया, राइट। फिर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म लगाएंगे, तो एक्स माइनस टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी। तो ये हो गया कैंसिल। अब जो कल्प्रिट था, जो जीरो बना रहा था, वो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर प्लस टू इंटू टू प्लस टू स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू, फोर प्लस फोर प्लस फोर, ट्वेल्व अपॉन फोर थ्री। तो इसका आंसर क्या है, थ्री। अच्छा, एक्स डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे क्योंकि एक्स टेंडिंग टू टू है, तो हमको ये वैल्यू जो ये फंक्शन टेंडिंग टू थ्री जा रहा है, इट नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये टेंडिंग वैल्यू होती है, फाइनल वैल्यू भी याद रखो इस बात को। अब देखो, ये दिखने में बड़ा डेंजर दिख रहा है लेकिन आसान है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वन बाय थ्री है और ऊपर अकेला एक्स। तो मैं काम करता हूँ, देखो इसको लिखता हूँ एक्स इज अबाउट वन बाय थ्री का क्यूब, किसी कोई आपत्ति तो नहीं, एक्स इज पावर वन बाय थ्री का क्यूब, तो एक्स ही हो गया ना। और नीचे क्या है, एक्स इज पावर वन बाय थ्री माइनस वन। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो लगा देता हूँ, तो एक्स इज पावर माइनस वन बाय थ्री माइनस वन ए माइनस बी, क्योंकि ए अपना एक्स इज पावर वन बाय थ्री और बी अपना वन है, ए माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब एक्स इज पावर टू बाय थ्री हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ए बी, तो एक्स इज पावर वन बाय थ्री प्लस वन स्क्वायर अपॉन एक्स इज पावर वन बाय थ्री माइनस वन। तो बच्चों हुआ क्या, जो हमारा कल्प्रिट था जीरो बनाने वाला, वो कैंसिल। तो बच्चों ये अपना कल्प्रिट कैंसिल हो गया, अब हम डायरेक्ट वन पुट कर देंगे, तो वन रेस्ट पावर टू बाई थ्री प्लस वन रेस्ट पावर वन बाई थ्री प्लस वन, तो आंसर क्या आ गया, थ्री। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रैशनलाइजेशन मेथड। इसके अंदर रूट वाले क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ भी तुमको रूट दिखा तुम उसको उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे कि रूट एक्स प्लस टू है, अब पहले तो तुम एक्स को जीरो पुट कर दो, तो रूट टू माइनस रूट टू जीरो हो गया अपॉन जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे अपना कल्प्रिट कैंसिल हो जाए, तो हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस जीरो है। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा, रूट ओवर एक्स प्लस टू प्लस रूट टू, और ये एक्स वैसी है। अब ये जो हमने लेके आए ये पहले नहीं था, तो इसको डिवाइड भी करें तो मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो गया। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म आ गया। तो मैं अभी पूरे स्टेप्स लिख देता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और नीचे जो है वो है, क्योंकि नीचे ये जो है हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये जीरो में जीरो नहीं बनता है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट लास्ट में वैल्यू डालते हैं। बच्चों इधर क्या हुआ, रूट हटा
एक्स प्लस टू माइनस टू अपॉन एक्स, इसका टेंशन नहीं हमको, तो देखो टू टू कैंसिल हो गया। अब जीरो बाय जीरो फॉर्म बनाने वाला ये एक्स था, नीचे वाला जीरो पुट करने पे जीरो हो जाएगा, तो वो एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा गया वन, एक्स कैंसिल हुआ ना, ये जीरो हो गया, टू माइनस टू जीरो, एक्स अपॉन एक्स वन। अब हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो वन अपॉन एक्स जीरो प्लस टू इज टू टू, वन अपॉन टू रूट टू, तो हमारा आंसर क्या है, वन अपॉन टू रूट टू। बच्चों इधर क्या एक रूट था, इधर अगर दो रूट है तो सेम मेथड रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके रैशनल फैक्टर्स इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब बस इतना नोट करो कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा अलग और इसका रहेगा अलग। तो देखो मैं क्या लिख, इसका रैशनल फैक्टर इसके सामने लिख दिया और इधर बाजू में ये सेम टर्म लिख दिया, इसका इसके सामने लिख दिया और इसके बाजू में ये लिख दिया, तो ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब तुम लोग बड़े बच्चे हो यार, डायरेक्ट लिख दूँ लिमिट एक्स टेंड जीरो, ये ए माइनस बी ए प्लस बी बना, तो ये रूट हटा स्क्वायरिंग की वजह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ का भी रूट हटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर जो बचा कुछ है वो रहेगा। तो टू टू थ्री थ्री एक्स एक्स वन बचा। अब वही हमारा आंसर है, उसमें जीरो पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट थ्री अपॉन टू रूट टू, आंसर इज रूट थ्री बाय रूट टू, सिंपल है। तो बस रैशनल फैक्टर से डिवाइड कर दिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर रैशनलाइजिंग फैक्टर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर दो टर्म रहे तो हम लोग ए प्लस बी है तो ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी तो ए प्लस बी कर देंगे, यहाँ पर एक दो तीन ये अलग टर्म है, तो हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है सर। तो इसमें हम लोग क्या सोचेंगे कि इसको हम फैक्टराइजेशन भी यूज़ करेंगे और रैशनलाइजेशन भी यूज़ करेंगे। अब रैशनलाइजेशन कैसे यूज़ करते थे, अगर तुम लोग सोचो कल्पिट तो टू एक्स माइनस टू ही है, क्योंकि देखो पुट कर दो, टू माइनस टू जीरो, रूट टू माइनस रूट टू जीरो, टू स्क्वायर माइनस फोर जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म तो बन रहा है, तो x टेंडिंग टू टू है तो जरूर x माइनस टू कल्प्रिट है, क्योंकि x टेंडिंग टू टू पे x माइनस टू जीरो हो रहा है, x को तुम टू लिख रहे हो तो टू माइनस टू जीरो हो रहा है, तो कल्प्रिट तो x माइनस टू है, मतलब यही कल्प्रिट है, इसको हमको हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इतने अकेले को मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, क्या किया मैंने, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, विच इज दिस अपॉन। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसको लिख लेता हूँ रूट ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। अब ये तो रूट इतना बढ़ जाएगा, ये और ये अपॉन ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, देखते लिमिट एक्स टेंस टू टू रूट ऑफ एक्स माइनस टू प्लस, ये हो गया रैशनलाइज और ये बन गया एक्स माइनस टू अपॉन रूट एक्स प्लस रूट टू, और इधर दोनों में रूट बांट दिए। अब बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो x माइनस टू और रूट ऑफ x माइनस टू में रिलेशन क्या है, ये रूट ऑफ x माइनस टू का स्क्वायर है, ये रूट ऑफ x माइनस टू का स्क्वायर है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ इसको कि ये जो है ये टर्म ऊपर का ये रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो ऊपर वाले टर्म में से रूट ऑफ x माइनस टू बाहर निकल जाएगा, करेक्ट, तो जाएगा लिमिट x टेंस टू टू रूट ऑफ एक्स माइनस टू बाहर निकला, ये वन बचा और यहाँ पर ये स्क्वायर था तो एक चल गया एक रह गया, बाहर निकल गया ना बाहर, तो रूट एक्स प्लस रूट टू अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस टू, फिर कितनी खुशी की बात है ना, कैंसिल हो गया। देखो जो कल्प्रिट था कैंसिल हो गया, एक्सटेंडिंग टू पे जीरो बन रहा था ये जीरो बन रहा, जीरो बाय जीरो फॉर्म हट गया हमारा। अब हम लोग पुट कर देंगे, टू पुट कर दो तो ये टू माइनस टू ये भी जीरो हो गया, तो अपॉन कुछ भी हो जीरो होने वाला है, रूट टू प्लस रूट टू कुछ फर्क नहीं पड़ता, और नीचे क्या हुआ टू प्लस टू फोर हो गया उसका रूट, तो आंसर क्या है वन बाय टू, रूट फोर इज टू। तो बच्चों बस ये सिंपल मेथड है फैक्टराइज, इसमें हमने फैक्टराइजेशन भी किए रैशनलाइजेशन भी किए।
मुझे इस क्वेश्चन में एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन होना चाहिए 2 प्लस, क्योंकि अगर 2 से छोटा रहेगा तो x माइनस टू डिफाइंड, रूट ऑफ x माइनस टू डिफाइंड नहीं होगा, जैसे कि 1.999 माइनस टू डिफाइंड नहीं होगा, और 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 2 से थोड़ी वैल्यू छोटी है, तो ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए 2 प्लस, तो ये सोल्यूशन एकदम करेक्ट है, हर जगह 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। बच्चों थर्ड मेथड है अपना यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, मतलब तुम लिमिट्स के क्वेश्चन आसानी से बाइनोमियल थ्योरम यूज करके भी करते हो। बेसिकली ये मेथड में अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं। अब तुम लोग जानते हो कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, जो फॉर एनी इंडेक्स वाला थ्योरम है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन, एन क्या है, एनी इंडेक्स है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड दिस गोज ऑन एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये नेवर एंडिंग है। एन फॉर एन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन 1/2 2/3 कुछ भी हो सकता है 3/2, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। बस इसकी कंडीशन होती है कि जो x है ना बहुत छोटा रहे, वन से x शुड लेस देन 1, बेसिकली ये कंडीशन होती है इसकी। तो अब होता क्या है, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो मैं ये बोलूंगा कि मैं 1 प्लस एक्स होल रेज़ पावर n को सिर्फ लिख दो 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि क्या हो गया, x अगर 1 से बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, एक्स क्यूब उससे और छोटा हो जाएगा, तो इन सबको हम निगलेक्ट करते थे, दिस हाई पावर ऑफ x गेट निगलेक्टेड, ये पूरे मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब x अगर मान लो 0.1 है तो एक्स स्क्वायर वैल्यू 0.01, तो 0.01 इंटू समथिंग बहुत छोटी वैल्यू रहेंगी, हम निगलेक्ट कर लेते। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेशन है। मान लो कभी कभी लिमिट्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हारा इतने अप्रॉक्सीमेशन से काम नहीं बन रहा, तो हम बोलते कि यहाँ तक लेते और आगे का निगलेक्ट करते थे, क्योंकि इतनी बात तो गारंटी है, क्योंकि x 1 से छोटा है तो आगे ये पावर तो छोटे ही है, और कभी कभी x क्यूब तक भी जाना पड़े, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन तुमको सोचना है कि मैं कहाँ तक जाऊँ। अब ये बात तो एग्जाम्पल समझेंगे, देखते एग्जाम्पल। देखो लिमिट x टेंस टू 1 ये है, ये 13 है, तो x का पावर 1/13 हो गया, x का पावर गंदे गंदे पावर्स है उसके, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं अज्यूम कर लेता इसका एलएचएल आरएचएल सेम ही आएंगे, वैसे तुम चेक भी कर सकते हो, इसका एलएचएल आरएचएल सेम आएगा, ये कंटिन्यूस फंक्शंस है, तो हम इसका आरएचएल निकाल लेंगे बस, और आरएचएल जो रहेगा वही आंसर रहेगा। तो आरएचएल निकालने का तरीका क्या था, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, तो 1 प्लस एच, ए हमारा क्या है 1, ठीक है, तुम 1 पुट करके देख लो 0/0 फॉर्म तो बन रही है बस, 1-1 हो गया। अच्छा बाइनोमियल थ्योरम यूज कब करें, जब पावर इतने गंदे हो, अब तुम इधर इसको रैशनाइज तो कर नहीं सकते, तुमको बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा, 1/13 1/7 कितने अजीब पावर है। तो पहला स्टेप तुम क्या कर लो, इसका एरेशन निकाल लेते हैं। तो अब तुम लोग जानते हो लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाता है, और ये हो जाएगा एक्स की जगह 1 प्लस एच होल रेज टू पावर 1/13 माइनस 1 प्लस एच होल रेज टू पावर 1/7 अपॉन 1 प्लस एच होल रेज टू पावर 1/5 1 प्लस एच होल रेज टू पावर 1/3, ये हो गया। अब देखो ये 1 प्लस एच एक्स की जगह एच, और बच्चा बच्चा आता है एच वो छोटी वैल्यू, एच टेंस टू 0 होता है, हम सबको मान लिखा भी उधर, तो इधर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। तो क्या होता है, मैं ये फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूँ, सेकेंड वाला भी जब टाइम लगेगा तो यूज करेंगे, अभी फर्स्ट में हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो पावर होता है ये एक्स की बाजू आता है डायरेक्ट, करेक्ट। तो अभी एच के बाजू क्या 1/13 है, तो क्या होगा जब मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, ये हो जाएगा 1 प्लस h/13 हो जाएगा, क्योंकि h इंटू 1/13 माइनस 1 प्लस h/7 हो गया, क्योंकि n तुम्हारा 1/7 है nh, अपॉन 1 प्लस h/5 माइनस 1 प्लस h/3, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने अप्रोक्सीमेशन ये n को नीचे उतार दिया, हर जगह n जो था बाजू वाला हो गया। अब 1-1 कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो दिख रहा है तो मैं कर देता हूँ, 1-1 कैंसिल हो रहा है, अब बचा क्या है, h बाई 13 है, तो मैंने h कॉमन निकाल लिया, तो ये 1/13 हो गया, और ये माइनस h बाई 7 था तो h कॉमन निकाला, 1/7 आ गया। सिमिलरली नीचे से h कॉमन निकाल लो, अब कल्पिट हमारा h ही था ना, क्योंकि h टेंस टू 0 है, तो वही हमको कैंसिल करवाना है अभी, और यहाँ पर बचा गया 1/5 माइनस 1/3, तो कल्पिट गया हमारा। अब तुम कैलकुलेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अपना आंसर आ गया।
जो कल्पित था वो हट गया, अब तुम किस में पुट करोगे, कुछ है डायरेक्ट वैल्यू। तो कितने आसानी से हो गया ना क्वेश्चन, दिखने में एकदम खौफनाक है लेकिन पावर अजीब अजीब है ना, 1/13 1/12 है, गंदे गंदे पावर है। कुछ भी 1/1000 भी क्यों ना रहे, तुम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो बाइनोमियल। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर तुम एक्सेस टू माइनस वन देख रहे हो तो 7 माइनस ऑफ माइनस वन हो गया, तो 7 माइनस ऑफ माइनस वन 7 प्लस 1 8, 8 का क्यूब रूट 2, तो 2 माइनस 2 0 और माइनस 1 प्लस 1 0, तो भाई साहब 0/0 फॉर्म तो है। पावर देख गया कितना अजीब सा पावर है 3, मतलब रूट रहता तो रैशनाइज कर लेता, पावर 2 होता 1/2 तो रैशनाइज कर लेता, लेकिन ये हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पहला मेथड क्या है, हम लोग RHLE निकालते हैं। तो लेट x इक्वल टू माइनस 1 प्लस h, तो होगा लिमिट h टेंड टू 0, 7 माइनस x की जगह आया तो ब्रैकेट भूलना मत कभी, 1/3 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 प्लस h प्लस 1, ये h अकेला बचा है नीचे, x की जगह माइनस 1 प्लस h लिखा, ये कैंसिल होने को तैयार है h। अब 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 हो गया, और ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस एच हो गया। तो बच्चों दिस इज डज नॉट मैटर कि एक्स पॉजिटिव कि नेगेटिव हो, क्योंकि मॉड एक्स लिखा हो, मॉड एक्स लेस देन 1 हो, मतलब एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1, एक्स कैन बी नेगेटिव, बट मेन बात क्या है कि वो 0 के पास में रहे, 1 से उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा रहे, मतलब माइनस 2 के लिए वैलिड नहीं रहेगा लेकिन माइनस 1 से थोड़ा बड़ा रहना चाहिए तो वैलिड है, बराबर। तो बच्चों 1/3, अब हम लोग हड़बड़ी में दिमाग चल गया, सर सेम टू सेम है, मैं बोल रहा सेम टू सेम नहीं है बच्चों, यहाँ पर 1 होता है, अप्रोक्सीमेशन के लिए ये 1 होना कंडीशन है, वहाँ पर क्या है 8, तो पहला स्टेप क्या रहेगा 1 लाने का, तो 8 कॉमन निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 जैसी बाहर निकला पावर 1/3 बाहर निकला, ये 1 आ गया माइनस h बाय 8 हो गया, क्योंकि 8 बाहर निकला ना, तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ h बाय 8 हो गया और पावर लेके निकला। अब ये 8 रेस बाय 1/3 क्या होता है, 2 होता है, 2 क्यूब का पावर 1/3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल लो, लिमिट तो कॉमन निकालो या ना निकालो की बात है, 2 निकाल लेता हूँ बाहर। अब ये देखो ये 1 माइनस ये वाला फॉर्म बन गया, x की जगह माइनस h बाय 8 है, चलेगा x की जगह माइनस h बाय 8, x भी 0 से 1 से छोटा है और माइनस h बाय 8 भी 1 से छोटा है, माइनस 1 से बड़ा है, मतलब उसका मॉडुलस 1 से छोटा है, तो मैं इधर 1 माइनस h बाय 8 इंटू 1/3 एन एक्स मल्टीप्लाई हो गया, और बाजू में क्या पड़ा है माइनस 1, क्योंकि 2 बाहर निकला है ना, ब्रैकेट में इधर क्या बचा है 1, करेक्ट है ना, तो 1 कैंसिल और नीचे h, ये h बेचारा बेताब था कैंसिल होने के लिए, उसकी तमन्ना पूरी, h हो गया कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन है 3 4 12 माइनस 1/12, तो कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। इस पर देखते हैं और क्वेश्चन, तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन देख लो, दिखने में एकदम खौफनाक है लेकिन बहुत ही आसान, पावर अजीब से 3 और 4, मतलब 1/3 1/4, तो समझ गए तुम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है, तो हम लोग हमारे लिए आसानी है, एक्सटेंस टू 0 है डायरेक्ट, तुम को LHL RHL की जरूरत नहीं है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये बन गया एक्स क्यूब तो वही रहेगा, और ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1 माइनस 2x होल टू पावर 1/4, दिख रहा है कि हमको ऐसा कुछ होने वाला नीचे, कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट है ये एक्सटेंड 0 पे 0 कर रहा है, ये थोड़ी कर रहा है बेचारा, 0 प्लस 1 हो रहा है, उसको हमको कैंसिल करना है, अब कैसे कैंसिल करना है, तो ये x की जगह x क्यूब है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x भी 0 से 1 से छोटा है तो x क्यूब भी 1 से छोटा रहेगा, तो हम डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम इधर लगा सकते हैं, और ये 2x, अच्छा यहाँ पर 1 होने की कंडीशन है, यहाँ पर x की जगह तो कुछ भी होगा ना बच्चों, यार x इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल वैल्यू है, इधर कुछ भी हो सकता है, 2h भी हो सकता है, 3h भी, ये 1 होना कंडीशन, तो 1 तो कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, बस डायरेक्ट ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दूंगा, तो 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 1/3 मैदान में आ गया, माइनस 2x/4 1/4 नीचे उतरा, तो ये हो गया, तो देखो बच्चों ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 1 कैंसिल,
माइनस अंदर गया तो x कॉमन निकालो क्योंकि x कल्प्रिट हमारा, तो x इधर से निकला तो ये एक्स स्क्वायर बाय थ्री हो गया, और यहाँ से x निकला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/4 1/2 हो गया, और एक ही x था तो बाहर निकल गया, वहाँ एक ही x था तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स एक्स कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। यार ये बहुत मेहनत का काम है, पुट कर दो, क्वेश्चन हो गया 0 + 1/2 0 + 1, आंसर क्या है 1/2। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आगे भी। ये बाइनोमियल थ्योरम मतलब 0/0 फॉर्म में भी यूज होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी यूज हो सकता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी यूज हो सकता है। ये मेथड तुमको याद रखना है, हम लोग फॉर्म अलग अलग फॉर्म में भी ये मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो बच्चों लास्ट हमारा इसमें है यूज ऑफ स्टैंड फार्मूला, और एक और क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें ये फार्मूले फेल हो जाते हैं, वो क्वेश्चन भी ले लूंगा, लेकिन अभी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो देख लेते हैं। स्टैंड फार्मूला बेस बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम गिने चुन लेंगे जिससे पूरे क्वेश्चन का आइडिया आ जाए। तो हमारा स्टैंड फार्मूला है ये x to power n minus a to power n upon x minus a, limit x tends to 0, a है, a to power n minus a to power n, 0/0 form बन रहा है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, n a to power n minus 1, जो पावर है ये बाजू में आ जाता है, और ये जो a है उसके ऊपर n minus 1 आ जाता है। तो इसका एक्सपांशन से प्रूफ हो जाता है, इसका प्रूफ काफ़ी आसान है। तो बच्चे इसको अप्लाई कैसे करते हो देखिए, जैसे कि 0/0 फॉर्म है, अब मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं, मतलब a की जगह 2 है और n की जगह 3 है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरा थोड़ा बहुत मिलता दिख रहा है तो पूरा मिलता जुलता बना दें, तो पावर सेम होता है ना, तो मैंने 2^n कर दिया, 3 कर दिया, और ये हो गया x माइनस 2। तो एकदम सेम है, देखो a की जगह 2 है और n की जगह 3 है, बाकी फार्मूला एकदम एग्जैक्टली बैठ गया है। तो फार्मूले के हिसाब से क्या होता है, n जो कि हमारा 3 है और a जो कि हमारा 2 है, 2^3 - 1, तो 4, आंसर आ गया 12, क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। अब देखो ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3, पहले तुम पुट करके चेक कर लो, 0/0 हो रहा है, दिख रहा है 0/0 तो हो रहा है। फिर ये x टेंड्स टू 4 हो गया, सब लोग को दिख गया 3^4 है, ये x क्यूब हो गया, ये 3³ हो गया। अब मेन बात क्या है कि फॉर्मूले में ये x टेंड्स टू 1 माइनस a टेंड्स टू 1 है, वहाँ पर क्या है x क्यूब माइनस 3³ आया, तो पावर क्या चाहिए इधर, 1 चाहिए। तो हम लोग है ना उसका सेटिंग कर लेंगे, तो देखेंगे एक्स इज अबाउट 4 माइनस 3 इज अबाउट 4 अपॉन एक्स माइनस 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये अलग 0/0 फॉर्म बन गया, ये अलग 0/0 फॉर्म बन गया, दोनों अलग अलग 0/0 फॉर्म बन गए। पहले ये दोनों मिलकर 0/0 थे, तो 0/0 फॉर्म में लिमिट्स नहीं बढ़ता है, लेकिन अलग अलग 0/0 फॉर्म में लिमिट्स बढ़ जाता है। तो इस पे अलग लिमिट आ जाएगा, इस पे अलग लिमिट आ जाएगा, तो दोनों पे अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो पहले का n हमारा 4 है और a 3 है, n माइनस 1 4 माइनस 1, इधर का n हमारा 3 है, बाई चांस ए भी 3 है, 3 माइनस 1, तो बस जो भी वैल्यू आ रही है सॉल्व कर लो, ये हो गया। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन, पहले चेक करो 0/0 हो रहा है क्या, करेक्ट 1 + 1 + 1 - 3 0, हाँ 0/0 हो रहा है। अब मुझे ये बताना था कि ये जो n है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, जरूरी नहीं कि 4, 3 अच्छे अच्छे वैल्यू, इधर वो n की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ जाएगी। जैसे कि तुम अगर देखो इसको x टेंस टू 1, ये x टेंस टू 1/3 है, ये x टेंस टू 1/2 है, और x रूट x क्या होता है, x टेंस टू 1 * x टेंस टू 1/2 है, करेक्ट। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1/2 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये वैल्यू क्या होगी, एक्स टू पावर 3/2 होगी। एक्स रूट एक्स क्या होता है, एक्स टू पावर 3/2, याद रख लो ये बात। अब ये माइनस 3 को हमने -1 - 1 - 1 में स्प्लिट किए, 3 बार -1 लिख दिया। अब नीचे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आ रहे ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए सिंपल। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स इज टू पावर एन माइनस ए इज पावर एन। अब मैं 1 को अगर नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ 1 - 1/3 लिख दो तो किसी को आपत्ति नहीं, पावर सेम कर दिया। फिर प्लस 1/2 है -1 - 1/2 प्लस 3/2 है -1 - 3/2। अब नीचे कौन चाहिए, x माइनस ए चाहिए,
ए हमारा वन है तो एक्स माइनस वन चाहिए, है ना, इनके नीचे एक्स माइनस वन चाहिए तभी हमारा काम बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स क्यूब माइनस थ्री को एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, सही है। उसका जो एक्स माइनस वन है इन सबको बांट देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, डिनोमेटर है तीनों में बढ़ गया, और ये हो गया हमारा, लेकिन ये बच गया तो इसको छोड़ देंगे अपना हाल पे। इधर क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब एग्जैक्टली हमारा एन क्या है, वन बाई थ्री, ए क्या है वन, एन ए रेस्ट फॉर एन माइनस, फॉर्मूला बन गया है। तो वन बाई थ्री ए रेस्ट फॉर वन बाई थ्री माइनस प्लस वन बाई टू एन ए वन बाई टू माइनस वन पावर प्लस थ्री बाई टू ए रेस्ट फॉर थ्री बाई टू माइनस वन, फॉर्मूला बन गए। जैसे इधर फॉर्मूला लगाए तो इधर भी लगाओ, वन प्लस वन प्लस वन, एक्स को डायरेक्ट वन पुट कर देंगे तो आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है, वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू इंटू वन बाई थ्री, इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख लो। तो बच्चों ये है स्टैंड फॉर्म, भले हमको फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जो ये चारों मेथड से नहीं होंगे, उसके लिए हमको एक्सपांशन यूज करना पड़ता है। देखते हो लास्ट क्वेश्चन, बच्चों देखो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो वन पुट करना तो अपना पूर्वजों से सिलसिला चलते आ रहा है, वन माइनस वन जीरो हो गया, वन रेस्ट टू पॉइंट वन हो गया, माइनस पी माइनस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस पी प्लस पी जीरो, तो एग्जैक्टली शून्य अपॉन जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया है भाई। अब हम लोग को लग रहा है यार इसको कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा अगर सोचूं तो यहाँ से और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो मैं माइनस पी कॉमन निकाल इन दोनों में से, तो ये एक्स अकेला हो गया और ये माइनस पी निकला है तो माइनस वन बचा, नीचे का टर्म पुश मिलता उलता आ गया, करेक्ट, ये मिला, ये दोनों का काम हुआ। अब इन दोनों में से अगर मैं एक्स कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि एक्स ही सबसे छोटा पावर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स रेस्ट पावर पी, क्योंकि एक एक्स ऑफ पी प्लस वन में से एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स ऑफ पी इंटू एक्स था ना, तो एक्स कॉमन निकल गया माइनस वन, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है यहाँ तक तो बात सही है हमारी। अब अच्छा हमारा दिमाग चलता है कि सर ये तो वो फॉर्म दिख रहा है एक्स पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन का फॉर्म दिख रहा है ये, कि वन का पावर तो पी लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ नीचे कमी किस चीज़ की है, कमी इस चीज़ की है कि एक्स माइनस वन आ जाए तो सबकी दिलों की अरमा पूरे कर देंगे, ये कमी थी तो मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है ये तो इसका तो फॉर्मल लग जाएगा, लेकिन ये तुमको जीरो दे देगा, ये तुम्हारा गेम कर देगा खराब। इधर फॉर्मूला ये जीरो दे देगा और ये भी जीरो रहा है, ये माइनस भी हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो तो देखो फॉर्मूला का लगा भी दो तुम तो पी एन पी ए रेस्ट पावर ए के वन है तो पी बचने वाला है, पी एक्स माइनस पी एक्स जीरो, जीरो बाय जीरो आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ फॉर्मूला इधर फेल हो गया। मतलब फॉर्मूला लगाना भी सोच समझने वाला काम है कि यार फॉर्मूला इधर नहीं लग रहा है, और बात ये भी सोचने वाली थी कि फॉर्मूला इधर लगाना चाहिए था कहीं थी, क्योंकि पहले ये लोग मिल के ये पूरा मिल के जीरो बाय जीरो फॉर्म दे रहा था, तो फॉर्मूला लगाना गलत है और उससे सॉल्व नहीं हो रहा है। तब क्या करते हैं ऐसे मौके पे जहाँ हमारा फॉर्मूला फेल होता है, हम लोग यूज़ करते एक्सपांशन। तो अब हमको कौन सा एक्सपांशन यहाँ यूज़ करना है, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का एक्सपांशन हमको यूज़ करना पड़ेगा, और वो कुछ इस तरह से है, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन प्लस ए एक्स रेस्ट पावर एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर एन माइनस थ्री, और ये कहानी चलती रही थी जब तक कि एक्स का पावर कम होते आ रहा है, एक वक्त आएगा पावर पूरा खत्म हो जाएगा जीरो हो जाएगा और ये अकेला रह जाएगा, उसका मैक्सिमम पावर पहुंच जाएगा एन माइनस वन। तो ये इसका एक्सपांशन, एक का पावर कम हो रहा है एक का पावर बढ़ रहा है, एक्स का पावर कम हो रहा है एक का पावर बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में ए नहीं है मतलब ए का पावर जीरो है, और लास्ट में एक्स नहीं है मतलब एक्स का पावर जीरो है, तो ये एक्सपांशन हमको यूज करना पड़ेगा। तो हमारा ये स्टेप राइट है, यहाँ तक सही है, लेकिन हम इधर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है हम लोग इधर इसका एक्सपांशन लिख देंगे वो एक्सपांशन। तो हम क्या करेंगे देखो, लिमिट एक्स टेंस टू वन
ये एक्स तो बचा रहा बाहर पड़ा है, इसकी जगह एक्सपांशन आ गया। तो हमारा एक्सपांशन, क्योंकि ए वन है तो पूरे ए हट गए, ए वन है ना पूरे ए हट गए, और एन की जगह क्या है पी है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पी आ जाएगा, और एक वन है तो वन इंटू एनीथिंग, तो ये तो गायब ही हो गया पूरा। करेक्ट है ना बच्चों? तो ये हो जाएगा पी रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, गलत पॉइंट, एक्स रेस्ट टू पावर पी माइनस वन प्लस ए वन हो गया, एक्स रेस्ट टू पावर पी माइनस टू प्लस एक्स रेस्ट पावर पी माइनस थ्री, और ये चलते रहेंगे कहानी, लास्ट में ए तो वन ही था तो वन बचेगा। हमने क्या किया, ये पूरे की जगह वो एक्सपांशन लिख दिया माइनस, ये अकेला पी बचा है वो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो रहा था, और नीचे क्या बचा है एक्स माइनस वन। यहां तक हम पहुंच गए। अब एक्स मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो एक्स जैसे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू एक्स पी माइनस वन क्या हो जाएगा एक्स ऑफ पी, फिर क्या हो जाएगा एक्स ऑफ पी माइनस वन, सबका एक एक पावर बढ़ते रहेगा, माइनस थ्री का माइनस टू, और यहाँ पर लास्ट में वन था तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या है पी है। तो बच्चों इधर हम करने क्या वाले, अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है, पुट करके देख लो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन पी, वन पी टाइम्स ऐड हो रहा है माइनस पी। तो देखो इस पी को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन से लेके पी टाइम्स, मतलब वन कितनी बार लिखी हो तुमने, पी बार लिखी हो। तो अगर वन प्लस वन प्लस वन करेंगे पी टाइम्स तो पी मिलेगा, राइट। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक वन इधर यूटिलाइज करूंगा एक वन इधर यूटिलाइज करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर ऑफ पी माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ पी माइनस वन माइनस वन, एक वन इसको दिया माइनस वन, एक माइनस वन इसको दिया, एक्स स्क्वायर ऑफ पी माइनस टू माइनस वन, और ये चलते रहेगा, लास्ट में क्या बचेगा ये एक्स है ये लास्ट वाला वन, इसको मिल जाएगा। अब देखो नीचे क्या है एक्स माइनस वन है वो सब में बट जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर आया एक्स माइनस वन, यहाँ पर आया x माइनस वन, यहाँ पर आया x माइनस वन, यहाँ पर भी आया x माइनस वन। अब देखो ये वो एग्जैक्टली वो फॉर्मूला बन गया है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखे थे, और वो था लिमिट x टेंस टू a x रेस्ट टू पावर n माइनस a रेस्ट टू पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a रेस्ट टू पावर n माइनस वन, ये स्टैंडर्ड फार्मूला वाला फार्मूला बन गया। तो बच्चों a तो वन है, n इधर p है, इधर a वन है n इधर p माइनस वन, तो एज पर फॉर्मूला अच्छा टेंडिंग टू वन, ठीक है, एज पर फॉर्मूला ये हो जाएगा p n की जगह और वन रेस्ट ऑफ p माइनस वन, तो वन रेस्ट ऑफ एनीथिंग वन ही होने वाला है। फिर क्या होगा p माइनस वन, वन रेस्ट ऑफ p माइनस वन माइनस वन, क्योंकि n n p माइनस वन है, फॉर्मूला में क्या होता है n माइनस वन, तो मतलब ये माइनस वन, तो ये चलते रहेंगे कहानी, लास्ट में तो डायरेक्ट कैंसिल होकर वन मिला। तो अगर ध्यान से इसको देखो तो हमको क्या मिल रहा है, मैं वाला वन पहले लिख देता हूँ, फिर इधर ऑब्वियस था लिखा नहीं है, लेकिन इधर टू आने वाला था, प्लस टू प्लस थ्री और जाने वाली थी कहानी, फिर ये आया पी माइनस वन प्लस पी लास्ट में, उल्टा कर दिया इसको, पलटी मार के लिख दिया, मतलब ये पहले टर्म को लास्ट में लिखा, सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट लिखा, लास्ट टर्म को फर्स्ट लिखा, सेकेंड लास्ट टर्म को सेकेंड लिखा, तो इधर क्या बन गया, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर बन गया, वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके पी तक, तो इसका फॉर्मूला क्या है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, लेकिन अपने एन ये पी है तो आंसर क्या देगा पी इंटू पी प्लस वन बाय टू। तो ये क्वेश्चन उसका एग्जांपल था कि कभी कभी फॉर्मूले फेल हो जाएंगे तो तुमको एक्सपांशन यूज करना, तो एक्सपांशन यूज करोगे फिर बाद में फॉर्मूला यूज हुआ, लेकिन पहले तुमको सिंप्लीफिकेशन एक्सपांशन की मदद से हो। कभी भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लगता है फॉर्मूला नहीं हो रहा है तो एक्सपांशन डाल दो, या तो एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा क्वेश्चन जो मैं बाद में तुमको टॉपिक पढ़ाया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही सीखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में अगली बात सीखते हैं। थैंक यू।